गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आप सभी वीडियो को लाइक और कमेंट और शेयर कर रहे हैं, आप सभी के लिए धन्यवाद। पिछली बार जिन विद्यार्थियों ने वीडियो को लाइक कमेंट नहीं किया था, वो अब आगे से लाइक कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, हम आगे क्लास में आज समझें। अपन सीख रहे हैं कि टैली का जो डेटा होता है कंप्यूटर फॉर्मेट यदि हमारा होने वाला है तो कंप्यूटर फॉर्मेट होने की स्थिति में अपन डेटा को कैसे बचाते हैं, तो वो अपन समझ रहे हैं। क्योंकि टैली का डेटा सी ड्राइव में होता है और विंडो भी सी ड्राइव में होती है। जब भी सिस्टम फॉर्मेट होता है, अगर आप डेटा अलग कहीं नहीं रखेंगे तो आपका डेटा चला जाता है। उसका मुख्य कारण यही है कि आपका डेटा जो है टैली का सी ड्राइव में जाकर सेव होता है और सी ड्राइव में ही विंडो होती है, इसलिए सी ड्राइव को फॉर्मेट करना ही पड़ता है। जैसे ही सी फॉर्मेट होती है तो आपका डेटा पूरा खत्म हो जाता है। अब डेटा को बचाने के लिए अपन पहले लोकेशन देखते हैं, डायरेक्टरी में डायरेक्टरी देखेंगे क्या क्या लिखा हुआ है, डेटा कहाँ पर है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं डायरेक्टरी में सी ड्राइव में जाना होगा पहले अपन को, फिर टैली 9 ओरिजिनल और फिर डेटा में जाना होगा। तो अपन चलते हैं, सबसे पहले अपन जाएंगे माई कंप्यूटर में, फिर अपन जाएंगे सी ड्राइव में, सी ड्राइव में जाने के बाद फिर अपन जाएंगे टैली 9 ओरिजिनल में, फिर डेटा में जाएंगे। अब ये इस तरह से आप डेटा देख पा रहे हैं। अपनी कंपनी का नंबर क्या था अपन चेक कर लेंगे। कंपनी का नंबर है, मानकर चलो अपनी कंपनी का नाम था आईसीआईसीआई बैंक, ये बात कंपनी का नंबर है 1002। तो अपन यहां से देखेंगे 1002 वाली कंपनी, अपन मिनिमाइज कर देते हैं और देखेंगे कहां लिखा हुआ है 1002। तो यही वो कंपनी है जिसमें अपना डेटा है। अब इसे यहां से राइट क्लिक करेंगे, कॉपी करेंगे। कॉपी करने के बाद आप इसे अपनी पेन ड्राइव में पेस्ट करके रख सकते हैं। पेन ड्राइव इस तरह से आपको दिखाई देती है, आप देख रहे हैं नीचे ये पेन ड्राइव, ये नीचे देख रहे हैं डिवाइस विथ रिमूवेबल स्टोरेज, ये दो पेन ड्राइव यहाँ पर लगी हुई हैं। आप किसी भी पेन ड्राइव में पेस्ट कर सकते हैं। इस पेन ड्राइव में स्पेस ज्यादा है तो मैं इस पेन ड्राइव में पेस्ट कर देते हैं। तो यहाँ पर अपनी पेन ड्राइव पर डबल क्लिक करेंगे और यहाँ पर आपको माना कि डेटा रखना है, राइट क्लिक करेंगे, पेस्ट करेंगे। तो यहाँ पर अपन राइट क्लिक कर पेस्ट कर देते हैं। आप देख रहे हैं राइट क्लिक करने के बाद आपको पेस्ट का ऑप्शन दिखाई दे रहा है। इसका शॉर्टकट भी होता है कंट्रोल वी, या कंट्रोल वी प्रेस करें या फिर पेस्ट करें। पेस्ट करते ही यहाँ पर आपका डेटा जो है 1002 था तो वो यहाँ पर इस तरह से आ जाता है। अब जब कंप्यूटर फॉर्मेट हो जाएगा, फॉर्मेट होने के बाद आप इस पेन ड्राइव को कंप्यूटर में लगाएंगे और यहां से इस डेटा को कॉपी करेंगे। कॉपी करने के बाद फिर आप वापस माई कंप्यूटर में जाएंगे, सी ड्राइव में जाएंगे, टैली 9 ओरिजिनल में जाएंगे और डेटा में जाएंगे और यहां पर आप उसे राइट क्लिक कर पेस्ट कर देंगे। ये ऑप्शन नहीं आएगा फिर, क्योंकि उस समय यहां पर ये फोल्डर नहीं रहेगा, अभी फॉर्मेट नहीं हुआ है, अभी इसमें सारा डेटा है, इसलिए ऑप्शन ये वाला आ रहा है। अपन अभी इसको यस कर देते हैं, उस समय तो डायरेक्ट पेस्ट हो जाएगा। वो फाइल है चूंकि उसके अंदर सेम रहती है ना, इसलिए तो सेम डबल पेस्ट नहीं होते, या फिर आप नेम चेंज कर दें तो पेस्ट हो जाते हैं। जब सिस्टम फॉर्मेट हो जाएगा तो ये सब कुछ खाली हो जाएगा यहाँ से, फिर आप पेस्ट करेंगे तो फौरन पेस्ट हो जाएगा। आगे बच्चों डेटा बचा लोगे आप लोग? यस सर। ठीक है, वेरी गुड। अगर नहीं आया हो तो फिर से बताएं क्या? सर क्लियर नहीं हुआ, फिर से बता दें।
हाँ सर, एक बार ठीक बता दो। है, हम एक बार और फिर से बताते हैं। देखो, हम सब हटा देते हैं। यदि हमारा कंप्यूटर फॉर्मेट होने वाला है, तो फॉर्मेट होते समय हमारी टैली का डाटा जो है वो सी ड्राइव में रहता है, और सी ड्राइव में रहने के कारण अपना टैली का डेटा सारा चला जाएगा। हमें उसे बचाना है, तो जो कंपनी हमारे काम की है, हम कोई विशेष कंपनी का डेटा बचाना चाहते हैं, तो ऐसी स्थिति में हमें यहाँ से कंपनी का नेम देखना पड़ेगा। यदि सारी ही कंपनी हमारे काम की हैं और सारी कंपनियां सही हैं, और हमें सारा सारी कंपनियों का जो डेटा है वो सब बचाना है, तो फिर हमें नंबर देखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, क्योंकि सारी ही हमें कॉपी करना है। अब हमें सिर्फ क्या करना पड़ेगा, यहाँ से एड्रेस देखना पड़ेगा कि हमारा जो डेटा है वास्तव में कहाँ पर जाकर सेव हो रहा है। तो हमारा डेटा जो है वो सी ड्राइव में टैली 9 ओरिजिनल फोल्डर के अंदर डेटा नाम का फोल्डर है, वहां पर जाकर सेव हो रहा। तो फिर अपन अब यहाँ पे चलते हैं। देखो, इसे मिनिमाइज कर दें अपन। पहले माई कंप्यूटर में जाएंगी, तब आप सी ड्राइव तक पहुंच पाएंगी, फिर सी ड्राइव में जाने के बाद आपको टैली 9 ओरिजिनल नाम का फोल्डर मिलेगा, उसमें जाने के बाद आपको डेटा नाम का फोल्डर मिलेगा। अब ये सारा डेटा है आपका, आप इसको कॉपी कर सकते हैं। यहां से कॉपी करेंगे तो सेलेक्ट ऑल करके कॉपी करना पड़ेगा, एक स्टेप पीछे जाएं और जो डेटा लिखा हुआ है, अब चूंकि आपको सारा डेटा बचाना है, इसी को राइट क्लिक करें और कॉपी करें। तो ये डेटा टैली का डेटा है, ये पूरा कॉपी हो चुका है। अब आप इसे किसी पेन ड्राइव में पेस्ट कर लेंगे, तो आप माई कंप्यूटर पर चलेंगे, ये आपने पेन ड्राइव लगाई हुई है, इन दोनों में से किसी भी पेन ड्राइव में पेस्ट कर सकते हैं। अपन इसी पेन ड्राइव में पेस्ट कर लेते हैं, राइट क्लिक करेंगे और पेस्ट कर देंगे। इस तरह से डेटा आपका यहाँ पर आ जाएगा। आप इसे डबल क्लिक करके देखेंगे, पता लग जाएगा कि ये सारी कंपनियों का डेटा इसमें है। अब जब आपका कंप्यूटर फॉर्मेट हो चुका होगा, होने के बाद फिर जब कंप्यूटर फॉर्मेट हो चुका होगा, तो देखो हम बताते हैं क्या होगा। सी ड्राइव में टैली ओरिजिनल में यहाँ डेटा में कुछ भी नहीं बचेगा, खाली हो जाएगा। जब ये खाली हो जाएगा, तो आप वहां से अपने पेन ड्राइव में से कॉपी कर कर यहाँ पर लाकर पेस्ट कर देंगे, तो जो कंपनी आपको नहीं दिखाई दे रही थी वो भी अब दिखने लग जाएंगी। आया बच्चों? यस सर आप। ठीक है बच्चों, वेरी गुड। अब अगला पॉइंट आप हमसे कल पूछ लेना, क्योंकि अब बिजनेस टैली का टाइम होने वाला है। अपन 2 मिनट ब्रेक लेने के बाद बिजनेस टैली स्टार्ट कर देंगे। आप सभी 2 मिनट आराम कर लो, पानी वगैरह पी लो आप लोग, फिर आप बिजनेस टैली क्लास में आ जाना। आप ज्वाइन रहना चाहें तो ज्वाइन भी रह सकते हैं। आपको जो पूछना हो कल आप पूछ लेना, हम ये वीडियो भी आपको भेज देंगे।